हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। ये देखिए, आज हम अपना ये जो हमने दिया स्टैंड बनाया था, इसको अपने ये स्मॉल स्मॉल दिए को, अपने इस मग को और इन दियों को, इन सबको हम आज पकाएंगे। और साथ में हम ये खाड़ी, ये मुल्तानी मिट्टी और ये स्लेट पेंसिल, इन सबको भी हम जो देसी तरीका होता है उस तरीके से इन सबको हम रोस्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एल्युमिनियम फॉइल चाहिए। इसमें हम पहले मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से लपेट लेंगे। इसी तरीके से हम इसको भी लपेट लेंगे। इसी तरीके से हम सारी स्लेट पेंसिल को भी कवर कर लेंगे। इस तरीके से ये हो गया हमारा स्लेट पेंसिल का, ये मुल्तानी मिट्टी का और ये खाड़ी का। और अब चलिए इनको हम रोस्ट करने चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिट्टी पकने लगी है और काफ़ी अच्छे से आग जल गई है। ये देखिए हमारा एक दिया ये पकना स्टार्ट हो गया है। अब इस आग को रात भर के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे, तब तक अच्छे से सब सुलग जाएंगे। ये मुल्तानी मिट्टी चटकने की भी आवाज़ आने लगी है, ऑलमोस्ट नीचे तक आग पहुंच गई है। कल जब ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दिए हमारे पक गए हैं अच्छे से। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, जो और मिट्टी थी ना, ये देखिए ये टूट गए हैं सारे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे तो पकते नहीं है, मोस्ट ज़्यादातर टूट भी जाते हैं। ये देखिए काफ़ी दिए हैं जो टूट गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो दिए थे वो ऑलमोस्ट पक गए हैं, और जो ख़राब मिट्टी, ऐसे मैंने बहुत सारे दिए जो बनाए थे वो ऑलमोस्ट सारे टूट गए हैं। पता नहीं, मैंने ऑनलाइन जो मिट्टी मंगाई थी, मिट्टी सही नहीं थी, क्योंकि बस एक ही बचा है, बाकी तो टूट गए सारे। और जो देसी मिट्टी थी ना, ये देखिए ये सारे दिए सही हैं। ये देखिए सारे दिए बढ़िया एकदम परफेक्ट निकले हैं। ये देखिए अच्छे से आवाज़ भी कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्लेट पेंसिल को चेक करते हैं। ये देखिए हमारी स्लेट पेंसिल जो है ये कितने अच्छे से रोस्ट हो गई है। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई है ये। इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ गया है। खाड़ी को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारी खाड़ी भी रोस्ट हो गई, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये निकली है, और अंदर तक रोस्ट हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर रोस्ट हुई है, ये अंदर तक रोस्ट हो चुकी है। और इसका जो टेस्ट है ना, वो भी चेंज हो चुका है, मतलब बहुत ही बढ़िया रोस्ट हुई है। ये देखिए कितनी अच्छे से रोस्ट हो गई है। और एक अलग ही स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, देखिए अलग ही स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, मतलब जो 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 दांत में चिपकती थी ना, ये अब चिपक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है रोस्ट होने के बाद, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। चलिए अब फाइनली आते हैं अपनी मुल्तानी मिट्टी पे। मैंने इतनी मिट्टी रोस्ट की है, मैंने चूल्हे पे, मतलब उस पर गैस पे मैंने बहुत ज़्यादा रोस्ट की है मिट्टी। मैंने मुल्तानी मिट्टी को बहुत तरीके से रोस्ट किया है, मैंने इस तरीके से पहली बार रोस्ट किया है। अरे गजब यार, बहुत बेहतरीन। ये देखिए मतलब नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल। ये देखो भाई साहब गजब, विश्वास नहीं हो रहा कितनी शानदार रोस्ट हुई है। ये देखो यार, अब तक की मेरी सबसे फेवरेट रोस्ट की हुई मुल्तानी मिट्टी। ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये मेरी अब तक की सबसे फेवरेट रोस्ट की हुई मुल्तानी मिट्टी। मैंने गैस पे इतनी रोस्ट की है ना मुल्तानी मिट्टी, हाँ बहुत सारे मैंने तरीक़ों से रोस्ट की है, लेकिन इतनी अच्छी रोस्ट, वाह। ये देखिए अंदर तक रोस्ट हुई है,
अंदर तक रोस्ट हुई है बिल्कुल, वो भी बिना जले, वरना गैस पे तो जल जाती है। गैस पे जल जाती है, ये देखे। हो शॉ ओ गजब यार, देखिए ये देखिए, मतलब दिल खुश हो गया यार, कितनी अच्छे से लेयर निकल रही है, ये देखिए। हाय मैं क्या बताऊँ, कितनी बढ़िया रोस्ट हुई है, और वो भी ना एल्युमिनियम फॉयल जला, सबसे बड़ी बात मिट्टी नहीं जली, ऊपर से जली नहीं है और अंदर तक रोस्ट हुई है, ये देखिए अंदर तक रेड हो गई है पूरी, कितनी अच्छी रोस्ट हुई है, ये देखिए भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब इस तरीके से, मतलब बेस्ट है मेरे हिसाब से इस तरीके से रोस्ट करना, थोड़ी मेहनत लगती है, मतलब गर्मी में हालत ख़राब हो गई मेरी आग जलाते जलाते, लेकिन वही बढ़िया रोस्ट है, एक बात माननी पड़ेगी, मज़ा आ गया मतलब रोस्ट करके, नहीं मतलब अंदर तक फुल रोस्ट, इसको कहते हैं फुल रोस्ट, ये देखिए ये गैस पे जो होती है वो हाफ रोस्ट होती है, ये है फुल रोस्ट, फुल रोस्ट मुल्तानी मिट्टी। अगर अब आपको मुझसे ये फुल रोस्ट मुल्तानी मिट्टी चाहिए तो मुझे बताइएगा, लिंक व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप का लिंक आपको दे दूँगी, और अगर आपको रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी मुझसे चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, तब हम आपसे उसी बात कर लेंगे, उसी हिसाब से ऐसी मुल्तानी मिट्टी रोस्ट करके आपको दूंगी मैं, ऐसी जो अंदर तक रोस्ट होगी, और वैसे ही ये देखिए खाड़ी भी है, मतलब अंदर तक ये भी रोस्ट हुई है, मतलब जैसे जो इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई है, जैसे जो खाड़ी होती थी ना, हम जैसे खाड़ी को मतलब अगर ऐसे चिपकती बहुत है, ये रोस्ट होने के बाद चिपक नहीं रही है, और ये स्लेट पेंसिल है, स्मोक की स्लेट पेंसिल। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें। बाय, राम राम जी।